वैसे तो बहावलपुर पूरे पाकिस्तान में अपने महलात और चोलिस्तान में होने वाली जीप रैली की वजह से जाना जाता है, लेकिन बहुत कम पाकिस्तानी इस हकीकत से शनासा हैं कि बहावलपुर से चंद किलोमीटर की मसाफत पर पाकिस्तान का पहला नेशनल पार्क वाकया है, जिसकी बुनियाद 1971 में रखी गई थी। ये बायोडायवर्सिटी की वो मिसाल है जहां सहरा, वेटलैंड्स और जंगल एक जगह पर मिलते हैं। इस वजह से इसको बायोस्फीयर रिजर्व भी कहा जाता है। पटीसर लेक लाल सुहनरा नेशनल पार्क में मौजूद वो वाटर बॉडी है जो ना सिर्फ गिर्दोनुमा में पानी मुहैया करती है बल्कि जंगली हयात के लिए एक बेहतरीन मस्कन भी है, और बहुत सी मुनफरिद जंगली हयात ने यहाँ अपना घर बना रखा है। और यही वो जगह है जहाँ ब्लैक बक्स की बहाली का सिलसिला कई बरसों से जारी है। ये वो खूबसूरत जानवर है जो गैर कानूनी शिकार और जंगलात की बेजा कटाई की वजह से नायाब हो चुका था। ब्लैक बक जिसे काला हिरन भी कहते हैं, माजी में ये साउथ एशिया में एंडेमिक यानी ये इसी एरिया में पाया जाता था। पाकिस्तान में ओवर एक्सप्लाइटेशन, हैबिटेट लॉस और इल्लीगल हंटिंग और पोचिंग की वजह से वाइल्ड में इसकी नस्ल ख़त्म हो गई है। 1973 में US से कुछ ब्लैक बक्स को दोबारा पंजाब में चोलिस्तान लाल सुहानरा नेशनल पार्क में एक फेंस्ड एरिया में इन ब्लैक बक्स को जो है वो रखा गया है और इनकी अफजाइशी नस्ल हो रही है ताकि इनको दोबारा वाइल्ड में री इंट्रोड्यूस किया जा सके। ब्लैक बक्स के तहफ्फुज का ये सिलसिला सिंध के शहर खैरपुर में मेहरानो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी मिलता है। एक वक्त था जब अंदरूनी सिंध ब्लैक बक जैसे शानदार जानवर का मस्कन था, लेकिन गैर कानूनी शिकार, खुश्क साली और दश्त शिद्दती ने उनके बसेरे तबाह कर दिए। ये जो हिरन की हमने चौदीवारी बनाई हुई है, ये इसको हमने कैद नहीं किया बल्कि इसको हमने सेफ किया हुआ है कि कोई इसका शिकार ना करे और ये कहीं बाहर ना जा सके और इनकी तादाद बढ़े। 50 एकड़ से भी ज़्यादा का हमने वो एरिया दिया हुआ है, उनके खाने पीने का भी बंदोबस्त है। यहाँ पर हिरन पाए जाते हैं जिसमें सिंधी हिरन है, काला हिरन है, और उसके अलावा यहाँ पर ये खंजीर है। पहले सर ये तकरीबन 100 से 120 तक थे, अभी ये 400 से क्रॉस कर गए माशाल्लाह इनकी तादाद जो है हिरन की। हमें जानवरों की भी हिफाजत करनी होती है, उसके साथ परिंदों की भी हिफाजत करनी होती है। परिंदे बाकी जो आते हैं, परिंदों की कोई भी कैद वगैरह नहीं है, वो आज़ाद होते हैं, वो आते हैं अपनी मर्ज़ी से चले जाते हैं, और ये सर्द मौसम में ज़्यादातर आते हैं। इस वाइल्ड लाइफ रिफ्यूजी के अपने निगरान हैं जो रोज़ाना जानवरों को खाना खिलाते हैं, उन्हें अफजाइश के लिए माहौल फराहम करते हैं और महफूज इलाके की हदूद के अंदर शिकारियों से तहफ्फुज़ फराहम करते हैं। मुझी ड्यूटी या वाइल्ड लाइफ में ये 9 साल मुख्य इतने रखे हुए हो। 8 बजे इतना ड्यूटी दे इतने पुजंदा आयूँ, इन संभार सार हल्दा आयूँ, इन अनु विझंदा आयूँ, हर पखी के कणक थी, सारी थी, मकई थी, इतने हिफावत वी कहूँगा। ब्लैक बक की कंजर्वेशन के लिए ये तमाम एफर्ट्स अपनी जगह, लेकिन इसको वाइल्ड में रीइंट्रोड्यूस करने से पहले वक्त के साथ इसकी हैबिटेट में जो तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं उनको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। ब्लैक बक की कंजर्वेशन के लिए तमाम स्टेक होल्डर के साथ मिलके साइट स्पेसिफिक कंजर्वेशन एक्शन प्लान बनाने की ज़रूरत है। ब्लैक बक को जिस एरिया में रीइंट्रोड्यूस कराया जाना है वहाँ पर मौजूद कम्युनिटीज़ को ऑन बोर्ड लेना बहुत ज़रूरी है, उनको सेंसिटाइज किया जाए इनकी कंजर्वेशन और इम्पोर्टेंस के हवाले से, और उनको डिफरेंट इंसेंटिव्स दिए जाएं। ये कहानी है तहफ्फुज, तजदीद और उन मुसलसल कोशिशों की जिससे इन जानवरों की तादाद बढ़ाकर इनको फिर से जंगली हयात और माहौलियाती निज़ाम में इनके मुकाम पर वापस लाया जा सके।